दोस्तों, अगर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक के कस्टमर हैं और आप लोग चाहते हैं कि अपने एयरटेल पेमेंट बैंक को फोन पे में लिंक करने के लिए, सो आप लोग इसको कैसे लिंक कर सकते हो अपने फोन पे एप्लीकेशन में, सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट को फोन पे में लिंक कर सकते हो, जोड़ सकते हो। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए हो तो आप लोगों को प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है। फोन पे एप्लीकेशन को आपको मोबाइल नंबर पुट करना होगा, उसके बाद आप लोग यहाँ पर OTP सबमिट करने के बाद आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे। अब आप लोगों को अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट को लिंक करने के लिए आप लोगों को देख लेना, यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में दिख रहा है एक प्रोफाइल का आइकॉन, इस पे क्लिक करना है। अब गाइस, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम इस पेज पर आ चुके हैं। अब आप लोगों का जो भी, अगर यहाँ पे कोई भी बैंक आप लोगों का लिंक होगा तो यहाँ पर दिखेगा, नहीं तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन दिखेगा ऐड बैंक अकाउंट लिख के, एक ऑप्शन है। आप लोगों को सिंपल यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि सभी बैंकों का लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। आप लोगों को यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन भी मिलता है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों को सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप लोगों को एयरटेल लिखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड आ चुका है। सिंपल आप लोगों को इस पे क्लिक करना है। अब आप लोगों का यहाँ पे मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आप लोगों के मोबाइल में SMS भेजने के लिए आप लोगों का कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल SMS कंफर्मेशन के बाद आप लोगों का यहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों का सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, जो कि आप लोगों का जो एयरटेल पेमेंट बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से ही आप लोगों को फ़ोन पे एप्लीकेशन में रजिस्टर करना है, तभी आप लोगों का बैंक लिंक हो पाएगा। तो सिंपल आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बैंक सक्सेसफुली लिंक हो चुका है, तो हम यहाँ पे डन पे क्लिक करते हैं। अब हम सिंपल इसको यहाँ पे बैक कर लेते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे चेक बैलेंस पर क्लिक करना है, आप लोगों का लिंक हुआ है कि नहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट यहाँ पर लिंक हो चुका है फोन पे में। तो सिंपल आप लोगों को इसका बैलेंस चेक करने के लिए सिंपल आप लोगों को यहीं पर क्लिक कर देना है एयरटेल पेमेंट बैंक पे। अब आप लोगों का यहाँ पे UPI पिन पुट करना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट का बैलेंस चेक हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस होगा एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में वो आपको यहाँ पर दिख जा रहा है, मतलब कि अब आप लोगों का सक्सेसफुली एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट फोन पे में लिंक हो चुका है। अब आप लोग UPI ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सो अगर आप लोगों को वीडियो चली तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।